नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम स्पाइस जेट शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पे दोस्तों बहुत ही बड़ा दोस्तों डिसीजन आने वाला है। और दोस्तों स्टॉक ऐसे क्रूशियल प्राइस के मोड के ऊपर खड़ा है कि वहां पे अगर दोस्तों उस लेवल को तोड़ देता है तो फिर जबरदस्त गिरावट की संभावना है। और दोस्तों आपको पता है कि मार्केट में सेल ऑफ का मोमेंटम है। दोस्तों कल के वीडियो में ही दोस्तों मैंने आपको बोला था कि बाजार के ऊपर बड़ा खतरा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों स्पाइस जेट के ऊपर न्यूज क्या है उसके ऊपर बात करें, तो थोड़ा प्राइस एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा समझना जरूरी है। अभी का प्राइस है 60.50, 4.35% का दोस्तों गिरावट हुआ है, 2.75% का दोस्तों डाउनवर्ड मूवमेंट है। 5 दिन के अंदर दोस्तों 6.21% है दोस्तों, -10.38% है, और दोस्तों 6 मंथ के अंदर 21.34%, 1 साल के अंदर -29.34%, 5 साल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट कहीं पे भी हमें ग्रीनर ही नहीं दिख रही है। दोस्तों स्टॉक ने इन्वेस्टर के पैसे डुबोए हैं। दोस्तों अब लेवल ऐसा आ चुका है जहां पे दोस्तों लेवल तोड़ने के बाद और गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों यहां पे दोस्तों चार्ट है स्पाइस जेट का वीकली चार्ट, और यहां पे दोस्तों मैंने स्विंग लो से पकड़ के स्विंग हाई को कंसीडर किया है। स्विंग लो जो हमारा था बना था 27 मार्च 2020 का, और स्विंग हाई हमने कंसीडर किया है 11 दिसंबर 2020 का, जहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट 60.20 आ रहा है, उसको नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। आज वीक का दोस्तों पहला दिन है और वहाँ पर दोस्तों ये लेवल को टच कर दिया है दोस्तों, और वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों प्रीवियसली अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो लेवल था दोस्तों जो हमने बनाया था बहुत टाइम पहले, ये लेवल के ऊपर दोस्तों वीकली डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों 23 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल को भी टच किया था। उसके बाद दोस्तों एक दिन जबरदस्त जब गिरावट आई थी 16 अगस्त 2021 को, तब भी टच हुआ था। इवन दोस्तों जब बीच में अक्टूबर में भी गिरावट आई तब भी टच हुआ था। तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि ये स्टॉक ने ये लेवल को 3 बार सपोर्ट दिया है दोस्तों, और वो सपोर्ट उनको बहुत ही बढ़िया मिला है। क्या ये बार सपोर्ट लेगा या इसको तोड़ देगा? अगर ये लेवल को तोड़ देता है दोस्तों फिर तो क्या बात है दोस्तों, फिर क्या जबरदस्त गिरावट आने की संभावनाएं बन सकती है। दोस्तों अब ऐसे नेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर आके खड़ा है स्टॉक हमारा, और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना चाहिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम रणनीति की बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों डेट है, डेट है 28 जनवरी, यानी कि दोस्तों अभी 24 जनवरी है, 4 दिन का बचा है, और वहां पे द सुप्रीम कोर्ट विल हियर अ क्रूशियल पेमेंट डिस्प्यूट कंसर्निंग ऑन अ 28 जनवरी इन एविटेल कोडा टू लॉन्ग बिटर लीगल केस दैट कुड गिव अ इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द सम लो फेयर एयरलाइंस एनॉक्सियस मूवमेंट दैट पैसेंजर ऑफ अ प्लेन लैंडिंग ऑन अ नैरो एयरस्ट्रिप यूजुअली फेस India stop could be decided on a petition by Swiss financial service company Credit Suisse. तो दोस्तों Credit Suisse का नाम तो आपने सुना ही है दोस्तों। स्पाइस जेट आफ्टर अ डिकेड लॉन्ग स्टैंड ऑफ ओवर अनपेड ड्यू ऑफ ऑलमोस्ट 180 करोड़, दोस्तों 180 करोड़ का जो अनपेड ड्यू है, और स्पाइस जेट बॉट अजय सिंह हैज टू किस एंड मेकअप विद द क्रेडिट स्विस टू अवॉइड लिक्विडाइजेशन शुड बी लूज द केस। दोस्तों अब क्राइसिस तो दोस्तों स्पाइस जेट में दो है दोस्तों। एक तो दोस्तों कोविड का थर्ड वेव का जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ओमिक्रॉन की वजह से दोस्तों, जहां पे एयरलाइन बिजनेस को भी सफर कर रहा है कोविड की वजह से दोस्तों, और पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेस इस पर हिट भी आया है दोस्तों। अगर ये आता है तो और दोस्तों हिट हो सकता है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों ये स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई है। मामला क्या है उसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं इन डिटेल में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लॉयर ऑफ स्पाइस जेट ट्राइड एवरी ट्रिक इन अ लीगल बुक टू क्वाश द वाइंडिंग। दोस्तों प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि जो सन टीवी के प्रमोटर है एंड कार्ल आरवेस इस इन्वेस्टमेंट व्हीकल ट्रांसफर दैट 58.46% इन स्पाइस जेट सिंह फॉर 2 रुपीज आफ्टर इट्स ऑपरेशन वेर डिस्प्यूटेड बाय अ क्रशिंग कैश ट्रबल। सिंह एज अ काउंडर को फाउंडर ऑफ अ स्पाइस जेट एज्यूम दैट द एयरलाइंस लाइबिलिटी ऑफ 3,005 करोड़ अकॉर्डिंग टू स्पाइस जेट दोस्तों, और उस मिस्टर सिंह है वही ओन करते 590.46% इन अ स्पाइस जेट विथ हिज फैमिली। और दोस्तों ये जो उन्होंने जो ट्रांसफर किया था वन टाइम गेन जो हुआ था
रिजल्ट में 2555 करोड़ फॉर स्पाइस जेट वाइप आउट इट्स अ सब्सटेंशियल नेगेटिव वर्थ सेड स्पोर्ट्स पर्सन एंड फ्रॉम 30 to 40 billion जो बिजनेस है उनका लॉजिस्टिक बिजनेस है और वो ग्रो हुआ 350 million का दोस्तों। तो ये जो अगर न्यूज़ है दोस्तों जहाँ पे दोस्तों लॉयर्स ने सारे ट्रिक अपने अप्रोच किए हैं कि ये जो 180 करोड़ का डीवी है वो देना ना पड़े, बट दोस्तों और जज ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट रूल्ड इन अ फेवर ऑफ अ क्रेडिट स्विस दोस्तों पिकिंग अ होल्स इन ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। द जज नोटेड द स्पाइस दैट कंटिन्यू टू अवेल द सर्विस ऑफ एसआर टेक्निक्स एंड इट कैन नॉट नाउ टर्न अराउंड, वो घूम नहीं सकता एंड देर इज अ वायलेशन ऑफ एविएशन रूल्स एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर टू सीज द एसेट ऑफ द एयरलाइंस। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा नेगेटिव हो जाएगा कंपनी के लिए। स्पाइसजेट ने दोस्तों चैलेंज किया था उस जज के ऑर्डर को एंड ही लेटर स्टेड द ऑर्डर फॉर अ 3 weeks सो दैट द एयरलाइंस कुड अपील, अ डिवीजन बेंच रिजेक्टेड द अपील। दोस्तों तो बहुत ही बुरा हाल है स्पाइसजेट का अबाउट 2 weeks ago, बट एक्सटेंडेड स्टे स्पाइस जेट पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट सून आफ्टर एंड ज्योति सिंह फाउंडर AGA लीगल एंड एसोसिएट्स सेड दैट द आफ्टर रूलिंग इन द मद्रास हाई कोर्ट द नेचुरल रिकॉर्ड्स फॉर द स्पाइस जेट वॉज टू चैलेंज द सेम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन केस द स्टे इज अ कंटिन्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द मद्रास हाई कोर्ट वुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन स्पाइस जेट बिजनेस एट दिस स्टेज एंड वी बिलीव दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस ऑन मेरिट्स। दोस्तों ऐसा बोल रहे हैं स्पाइसजेट के स्पोक्स पर्सन, बट आपके लिए एक जानकारी रखनी चाहिए कि दोस्तों स्टॉक का प्राइस जो हमें बता रहा है कंटिन्यूस दोस्तों डाउन डिक्लाइन दिख रहा है। दोस्तों भले ही कोविड की वजह से नीचे जा रहा है, बट दोस्तों अगर ये लेवल को तोड़ देता है 60.20 का तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि ये लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों इस लेवल से 3 बार से ज़्यादा दोस्तों इसने टच करके वापस गया है, अगर इस बार तोड़ देगा तो फिर यहाँ पे दोस्तों ये गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट आएगा और फिर वहाँ से नए लोग की और हमें जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों 28 जनवरी का डे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक के लिए रहने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एंजल वन में 0 ब्रोकरेज का ऑफर चल रहा है, वहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। दोस्तों ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है दोस्तों, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें सलाह दे तभी दोस्तों आप इसमें ट्रेड या निवेश करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।